Now let us move to the concept of variable, which is a random variable, either discrete or continuous. What is random variable? As we know that a number is always associated to some outcome of any random experiment. When I say random experiment, tossing a coin, throwing the dice, pulling a card out of a pack of cards, appearing an exam, trying to solve any numerical given problem, trying to enter into any entrance exam. Anything you do, any experiment, what we call. So some value, some numerical values we associate it with that experiment. That value is the variable, I would say. For example, if I say number of family members, simple. What I'm doing, I'm trying to find out how many families are there, how many families are there where the family members are less than 5. कुछ स्टडी चल रही है उसके बेसिस पे स्मॉल फैमिली मीडियम साइज फैमिली बिग फैमिलीज का कुछ कंसेप्ट पे कुछ काम रिसर्च चल रहा है. उसमें हमने पता लगाना है कि जो एरिया है गिवन एरिया जहाँ सर्वे चल रहा है वहाँ पे हर घर में फैमिली मेंबर्स कितने हैं. अगर हम नंबर ऑफ फैमिली मेंबर्स को रिप्रेजेंट करें एक्स वेरिएबल से तो इसकी वैल्यू अलग 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 वैल्यूज आएगी. हो सकता है किसी फैमिली मेंबर्स किसी पर्टिकुलर फैमिली में 3 है, हो सकता है 4 हो और 5. हमने लिमिट किया है कि ओके डू नॉट लिमिट इट, लेट अस रिसर्च. मे बी 6, मे बी 7, मे बी 8, मे बी 9, मे बी 10 एंड मे बी मोर देन 10, नेवर नो. अगर हम इसको नंबर ऑफ फैमिली मेंबर्स को x से रिप्रेजेंट करते हैं तो x वेरिएबल है. क्यों है? क्योंकि ये वैल्यू जो x है कभी 3 ले रही है एक घर में, दूसरे घर में गए तो x मतलब नंबर ऑफ फैमिली मेंबर. तो नंबर ऑफ फैमिली मेंबर एक दूसरे घर में 4 आ गए, फिर 5 आ गए, तो यू आर गेटिंग डिफरेंट वैल्यूज फॉर दिस x, सो इट इज कॉल्ड वेरिएबल. नाउ इफ दिस इज अ वेरिएबल देन इट इज ऑफ 2 टाइप, डिस्क्रीट एंड कंटीन्यूअस. नाउ लेट अस अंडरस्टैंड व्हाट इज. If I say that number of family members is 3.5, illogical talk. Even if you have a newborn baby in your family, you don't call it 1/4, 1/8. ऐसा नहीं होता. हम उसको whole number में ही बात करते हैं. कभी ऐसा होता है किसी घर में कि छोटा बच्चा है तो हम इसे डेढ़ आधा ऐसे count नहीं करते. तो हम family members हमेशा whole number में बात होती है. हमारे कितने फैमिली मेंबर्स हैं? 5 है, 8 है, 7 है, होल नंबर में बात होती. जब एक्स वेरिएबल जैसे नंबर ऑफ फैमिली मेंबर्स को रिप्रेजेंट कर रहा हो, ये होल नंबर में ही वैल्यू ले सकता है. इसमें किसी ने अगर वैल्यू प्लेस कर दी 6.2 तो दैट विल बिकम रॉन्ग. तो जब होल नंबर में ही ये वैल्यू ले सकता है तब हम इसे कहते हैं डिस्क्रीट वेरिएबल. वेरिएबल क्यों है, कांस्टेंट क्यों नहीं है? कांस्टेंट मींस जिसकी वैल्यू फिक्स हो. अगर मान लीजिए ये फैमिली मेंबर्स यहाँ सर्वे हो रहा है वो सब आपकी ही स्टेट में है, अगर ये चार जहां सर्वे कर रहे हैं, अगर हमने वाई एक वेरिएबल और ले लिया जो आपके, चलिए कंट्री की बात करते हैं, जो कंट्री को रिप्रेजेंट कर, और ये कहाँ पर सर्वे हो रहा है? इंडिया. तो हम इस फैमिली मेंबर की कंट्री क्या है? इंडिया. दिस फैमिली, बिकॉज हम इंडिया में सर्वे कर रहे हैं तो इस फैमिली की भी कंट्री क्या है? इंडिया. अगेन इंडिया, अगेन इंडिया, अगेन इंडिया. व्हेन यू आर डूइंग दिस सर्वे इन इंडिया देन व्हाई देयर इज नो यूज ऑफ राइटिंग द अनदर वेरिएबल नेम कंट्री, बिकॉज सेम इंडियन इंडिया इंडिया इट विल कम, कोई डिफरेंस तो है नहीं. तो ये कॉन्स्टेंट की तरह काम कर रहा है इसलिए इसका नाम वेरिएबल नहीं रखा जाए. तो y क्या हो गया? y वेरिएबल नहीं हुआ इस केस में. y क्या हो गया? कांस्टेंट हो गया. क्यों हुआ कांस्टेंट? क्योंकि y की वैल्यूज इस केस में हर केस में सेम है. इंडिया 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 इंडिया. सो इफ दिस इज अ कैटेगरी
which is having the same value for all observations, जितने आप observations कर रहे हैं उसमें इस category में एक ही value आ रही है country India, तो ये constant की तरह काम करता है. बट दूसरी कैटेगरी जहां पे नंबर ऑफ फैमिली मेंबर्स हैं, एक्स नाम से वेरिएबल है, तब उसको हम वेरिएबल इसलिए बोल रहे हैं, कांस्टेंट नहीं बोलेंगे क्योंकि नंबर ऑफ फैमिली मेंबर्स अलग 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 हो रहे हैं. पॉइंट वन, कांस्टेंट क्या होता है, वेरिएबल क्या. कांस्टेंट में वैल्यूज सारे ऑब्जर्वेशन की सेम होती है, वेरिएबल में सब वैल्यूज अलग होती है ऑब्जर्वेशन की. एक फैमिली के पास गए तो 3 मिली वैल्यू, दूसरी फैमिली के पास गए तो 4, तीसरी फैमिली के पास गए तो फैमिली मेंबर्स 5 मिले, तो ये अलग 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 आ रही है कैटेगरी. तो इस कैटेगरी को वेरिएबल कहेंगे, इस कैटेगरी को कांस्टेंट कहेंगे. तो कांस्टेंट और वेरिएबल क्लियर होना चाहिए. दूसरा, वेरिएबल दो तरह के होते हैं. देयर आर टू टाइप्स ऑफ वेरिएबल्स, वन इज डिस्क्रीट एंड अनदर इज कंटीन्यूअस. व्हेन आई से डिस्क्रीट, एज आई सेड, इट कैन हैव द होल नंबर. इट दे एंड व्हेन आई से कंटीन्यूअस, तो इसका उल्टा हो जाएगा. व्हेन द वेरिएबल कैन टेक इनफाइनाइट नंबर ऑफ वैल्यूज बिटवीन एनी टू नंबर, जैसे हाइट. अगर हमने हाइट लिया तो इस फैमिली मेंबर्स में, लेट्स से जो मेल फादर जो सबसे बड़ा फैमिली मेंबर है उसकी हाइट पे बात करते हैं, तो किसी की हाइट 5.4 हो सकती है, 5.2, 5.7, 5.9, 5.8, यस इट कैन बी. तो हाइट किस क्या हो रहा है, हाइट को होल नंबर में नहीं आने की जरूरत, इट कैन बी इन डेसिमल. तो हाइट जो वैल्यू है, अगर हाइट को रिप्रेजेंट करते हैं जेड वेरिएबल से, तो जेड वेरिएबल क्या हुआ, जेड वेरिएबल हुआ द वेरिएबल इफ इफ इट्स पॉसिबल वैल्यूज कंटेन द होल इंटरवल, इंटरवल ऑफ एनी ना, जैसे ये हम कह सकते हैं 5 से 6 के बीच में. जरूरी नहीं है कि 5 और 6 ही लेना पड़े, बट 5 से 6 के बीच में मंथ्स, इस इंटरवल में भी अगर वैल्यू वेरिएबल ले सकता है, then it is called a continuous variable. So continuous variable is a variable that can take any value between these two numbers, but discrete variable is a variable then can who can take value only on this extremes, not in between. So it has to be in whole number, it can be in decimal. This is discrete variable, this is continuous variable. Example, height, yes, weight, weight can be in decimal, weight can be in points, 64 kg, 64.3, 50.8, it can be, yes, very. Then marks, yes, marks, even in number, even in percentage. मार्क्स नंबर में भी हो सकते हैं, 5.8 नंबर मार्क्स आए हैं, 5.2 आए हैं, 2.5 आए हैं, मार्क्स हो सकते हैं. परसेंटेज भी डेसिमल में हो सकती है, 70.8%. सो दीज आर सम एग्जांपल्स वेयर वी कैन हैव द वी विल हैव द कंटीन्यूअस कंटीन्यूअस वेरिएबल. बट दीज आर द वैल्यूज लाइक नंबर ऑफ फैमिली मेंबर्स. एंड इफ आई से हाउ मेनी नंबर ऑफ डिफेक्टिव आइटम इज प्रोड्यूस्ड इन एनी पर्टिकुलर मशीन, तो किसी मशीन से आइटम प्रोड्यूस हो रही है, अगर वो 100 आइटम प्रोड्यूस करता है उसमें से अगर 20 डिफेक्टिव होती है, तो डिफेक्टिव आइटम अगर किसी वेरिएबल से रिप्रेजेंट होता है, देन दिस इज कॉल्ड डिस्क्रीट वेरिएबल. क्योंकि आइटम या तो डिफेक्टिव होगी या तो नहीं होगी. 2 आइटम डिफेक्टिव है या 3 है या 4 है या 5 है, 2.8 आइटम डिफेक्टिव, इलॉजिकल टॉप. सो X in this case is again discrete. So concept of discrete, this variable and constant, point one. Then what is a random variable? A random variable can be said the variable which can take any numerical value. It is of two types, discrete and continuous. If the random variable can take only a finite number of distinct values, this is the way we can define it. हम उसको proper define कर सकते हैं. The discrete variable is the random variable that can take only finite number of distinct values. Then it is called discrete. A random variable we can define, you can define it in your own language, the way you feel like. Okay,
So a random variable, it is called a continuous variable if it can take the possible values, or it can take values in the interval of numbers. कोई भी दो numbers के बीच में, between interval, it can take the number. It can take the value. Example, weight, height, marks in number or percentage, etc.